फ्रेंड्स, हम अभी आए हैं यहाँ इंटरनेशनल कॉयर म्यूज़ियम। कॉयर म्यूज़ियम से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या होता होगा। तो फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ नारियल का जो क्या बोलते हैं आउटर पार्ट होता है ना, शेल से यहाँ बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं शेल से। या फिर यहाँ कोकोनट का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता, ये उसका म्यूज़ियम है। और अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये जगह। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एलपी में ही है। रिकॉर्डिंग पर्पज़ से कैमरा अंदर ले जाते हो तो उसके लिए 50 रुपीज़ का चार्ज है, अदरवाइज पर पर्सन 40 रुपीज़ है, नॉट 20। तो बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ अंदर। तो ये है एंट्री और ये हमारे गणपति बप्पा कॉयर से ही तैयार किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये हमारे गणपति जी का लड्डू। और ये उनका मूषक। ये देखिए इनके साड़ी में वर्क भी कॉयर का हो रखा है, इन्होंने ऑर्नामेंट्स भी कॉयर का ही बना हुआ पहन रखा है। ये इनके हाथों में जो बैंगल है ब्रेसलेट, ये भी कॉयर का ही है। और आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा ताजमहल जो है ये भी कॉयर से ही बनाया गया है। और ये भाई साहब की टोपी भी जो है कॉयर की ही बनी है। और इनका ये कोट भी। और ये देखिए ये बहुत बड़ा गुलदान जो है ये भी तैयार किया गया है कॉयर से। और आपको दिखा भी दिया गया है कि ये किस चीज़ से तैयार हुआ है। और ये है धागा। रील्स लगा रखे हैं यहाँ पे और दिख ले चलती हूँ आपको आगे। तो दोस्तों ये उस जमाने का एक ये मॉडल बना के रखा हुआ है। ये आप देखिए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। और ये दिखाया गया है कि पहले के लोग किस तरीके से ये कॉयर तैयार करते थे। ये पूरा पेंटिंग के थ्रू भी दिखाया गया है। और यहाँ इसकी मॉडल भी बनाकर रेडी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैर कारखानों का इतिहास है। यहाँ पर 1859 में जेम्स टेरा और हेनरी स्नेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वहाँ से होने के बाद एलिपी में ये कॉयर फैक्ट्रीज, बहुत सारी कॉयर फैक्ट्रीज लग गई और इस वजह से एलिपी कॉयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। तो वर्ल्ड की पहली कॉयर फैक्ट्री वो यही स्टैब्लिश हुई थी। और इसके बाद से कॉयर का प्रोडक्शन केरला में एलिपी में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये है हिस्ट्री ऑफ कॉयर फैक्ट्री, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको हिंदी में बता दिया। तो ये है इनकी पत्थर की मूरत जो हेनरी स्माइल और जेम्स, इन्होंने ही, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सबसे पहला कॉयर फैक्ट्री स्टार्ट किया था। एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ, द फर्स्ट कॉयर फैक्ट्री। कॉयर मेडलियन है।
मेडल्स हैं। तो ये आप देखिए, ये भी कॉयर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं, काफी सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो एलईपी का विकास और एलईपी कैसे बना, और ये हमारे राजा वली दीवान जी, तो डेवलपमेंट ऑफ एलईपी कैसे हुआ बताइए। तो उस समय क्या हुआ, 1745 से 1799 के बीच में राजा केशव दास ने एलईपी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, और उसमें वो यहाँ के विजय दीवान थे स्टेट ऑफ त्रावणकोर के, और उसके बाद उन्होंने बहुत जगह से बिजनेसमैन को अट्रैक्ट किया यहाँ पर इस शहर के लिए, और धीरे धीरे उनके एफर्ट्स से अलापुजा वर्ल्ड का उस समय का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट बन गया था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैनाल्स बनाए गए थे और पोर्ट का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से एलईपी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1745 में। अच्छा, तो और यहाँ पहला शिप जो आया था वो 1786 में आया था। पहला शिप कब से आया था? 1786 में। अच्छा। तो इसके बाद उन्होंने काफी जगह से अट्रैक्ट किया बिजनेसमैन को, जो बॉम्बे या अभी मुंबई है, गुजरात और राजस्थान से आए, और उन्होंने उनको इंकरेज किया कि यहाँ सेटल हों, और यहाँ पर उनके बिजनेस को सेट करने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इस वजह से एलईपी वर्ल्ड का बिजिएस्ट पोर्ट बन गया था, और इसके इनलैंड कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन होता था। ये है अलापुजा का लाइट हाउस, जो देखिए ये भी कॉयर से तैयार किया गया है लाइट हाउस। और यहाँ जो कल्चरल फेस्टिवल होता है कथकली, यहाँ ये सारा जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये सारा चीज कॉयर से ही तैयार किया गया है, इतना खूबसूरत ढंग से। और ये देखिए, कितनी बारीकी से इस चीज को बनाया गया है। और ये देखिए हमारा आईफिल टावर, आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस समय का इतिहास है, जहां पे बताया जा रहा है कि कैसे ये लोग पहले नारियल को कलेक्ट करते थे। देखिए, ये मॉडल के थ्रू दिखाया गया है इसको, ये जो औरत बैठी है ये किस तरीके से नारियल को पीट रही है और उसको अलग कर रही है, और उसको पीट के स्क्वायर को अलग कर रही है। इसको हस्क कहते हैं, बाहर की कवरिंग। हाँ, हस्क। और इसको ब्रैकिश वाटर में पहले 6 से 11 महीने तक रखा जाता था फाइबर्स को, और इसको पीट लेने के बाद इसको ऐसे यहाँ कैसे इसको सुखाया जा रहा है, देखिए सारे हस्क पड़े हुए हैं, और कैसे ये जो लेडी बैठी हुई हैं ये किस तरीके से रस्सी तैयार कर रही हैं, इनके काम को दिखाया गया है। एक ये इनका घर, तो दोस्तों ये सब देखिए, मैं आपको इतिहास दिखा रही हूँ एलईपी का भी और स्क्वायर म्यूजियम का भी, कि ये कैसे बना। अब बताइए, तो इसमें जो कोकोनट फ्रूट की आउटर कवरिंग होती है उसको हस्क बोलते हैं, और उस हस्क से क्या करते हैं लोग कि इसको ब्रैकिश वाटर में 6 से 11 महीने तक डाल देते हैं, जिससे इसके फाइबर सेपरेट करते हैं। और फिर इस हस्क को बीटन किया जाता है वुडन इंस्ट्रूमेंट से, इससे ये फाइबर और पिच इसका अलग हो जाए। और इसका सुपीरियर फाइबर क्वालिटी आता है जब इसको पानी से रेट किया जाता है, इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हस्क को भिगो के रखते हैं ना, पहले पीट के हस्क निकालते हैं, ब्रैकिश वाटर में डालते हैं। पर इससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम होने लगी, इससे डैमेज होने लगा एनवायरमेंट का, इससे ग्रीन हाउस। देखिए सारे नारियल्स को मतलब शय को कैसे लाया गया है यहाँ पे,
हर चीज की जानकारी यहाँ दी गई है। पहले के जमाने में ऐसी करते थे रेटिंग? पहले के जमाने में इसकी रेटिंग ऐसी ही करते थे। पानी में थोड़ा सोकअप करते थे। और आगे मैं दिखाती हूँ कि और क्या क्या इसकी हिस्ट्री है। ये सारे मशीन्स हैं जिनसे किस कैसे रस्सियाँ तैयार की जाती हैं, और पहले के ज़माने में औरतें इसको कैसे तैयार करती थीं, इसको प्रेजेंट किया गया है। देखिए ये जो लेडी हैं, पहले की औरतें ऐसे ही काम करती थी, कैसे रस्सियाँ तैयार करती थी, इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से बड़े खूबसूरती से इसको दिखाया गया है कि कैसे इसको इस मशीन पे करके पे जो भी है, मुझे मशीन का नाम तो नहीं पता, बट इसको कैसे बुना जा रहा है। और आज के टाइम में चीज़ें बदल गई, मशीनें बदल गई, काम और आसान हो गया है। कताई मशीन, कताई के विभिन्न तरीके इसको आप देख सकते हैं कि कैसे इस इमेज के थ्रू इसको शो किया गया है। और ये 2010 में ये मशीन आई है जिसमें काम और आसान होता है, इसमें रस्सियां अपने आप बनकर तैयार हो जाती हैं, धागे अपने आप तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए ये शायद किसी जलपरी या मछली, मुझे मालूम नहीं, शायद उसका मॉडल बनाया गया है ये। और ये कताई की मशीन है। और आप ये देखिए एक पिंजरा जिसमें एक पंछी को रखा गया है, सब कुछ कॉयर से बना है। और ये सब कुछ कॉयर से ही बना है, आप देखिए कितनी खूबसूरती से। पक्षी नहीं है, उल्लू, हाँ उल्लू है बना है। और ये नारियल पेड़ का स्ट्रक्चर बनाया गया है कॉयर से ही। और इसमें आप देख रहे होंगे ये चिड़िया का घोंसला कैसे तैयार किया गया है। इसे एक पत्थर का रूप दिया गया है, पहाड़ का, ऐसे कॉयर को ही यूज करके बनाया है। और ये एक नाव का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये इसको उल्टा रखा है किसी ने, ये इसके ऊपर रखा हुआ था तो ये उल्टे तरीके से रखा हुआ है, बट ये नाव का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम यहाँ से निकल के आपको किसी और जगह पे ले जाकर दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें तैयार की गई हैं। और ये सारी मशीन्स हैं। कितने अच्छे से इसको भी एक फ्रेम में बिठाया गया है अच्छे से। और यहाँ भी मॉडल के थ्रू दिखाया गया है कैसे कैसे नारियल, एक आदमी ऊपर जा रहा है, एक आदमी कलेक्ट कर रहा है, ये औरत इसने टोकरी में रखा, और कैसे ये नारियल अलग कर रहा है, शेल को अलग कर रहा है ये इंसान, और दूसरा इसको, दूसरा भी वही काम कर रहा है, शेल को अलग करके ये सब इकट्ठा कर रहे हैं और इसको फिर बैलगाड़ी से ले जा रहा है सारे शेल को। और यहाँ औरतें जो है किस तरीके से शेल को पीटने का काम करके इसका हस्क निकाल रही हैं, और कैसे इस मशीन के थ्रू ये रस्सी तैयार की जा रही है।
बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है मॉडल के थ्रू। और ये शिप देखिए, ये बोट हाउस कॉयर से कितना अच्छा बनाया गया है इसको, मतलब यहाँ म्यूजियम में भी आके कितना अच्छा लग रहा है। और इस फिश का आप स्ट्रक्चर देखिए, एक बड़ी बहुत बड़ी मछली का स्ट्रक्चर बनाया गया है। आई थिंक म्यूजियम में आने के बाद काफी कुछ सीखने को मिलता है हमको, और पता चलता है कि कैसे पहले के जमाने में चीजें तैयार की जाती थी। और आप ये देखिए, इसमें हस्क रखे हुए हैं सारे, और ये किस तरीके से कॉयर से ये नाव तैयार की गई है, और कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए, एक शार्क मछली का भी मॉडल बनाया गया है, कितना बढ़िया, सब कॉयर से तैयार किया गया है। और ये जो रथ उत्सव होता है, यहाँ का फेस्टिवल होता है, इसमें नारायण की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति रखी जाती है, रथ पे निकाला जाता है। इस रथ को भी देखिए आप, कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। और यहाँ गांधी जी की प्रतिमा भी स्क्वायर से ही तैयार की गई है। तो ये आप देखिए, ये फैक्ट्री है, मैं आपको ले आई हूँ जहाँ पे ये तैयार किया जाता है। ये सारे मशीन रखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि कॉयर कैसे तैयार होता है। और ये देखिए मशीन कैसे इससे रस्सी तैयार की जा रही है, और कैसे इसकी बुनाई हो रही है। खाया जाता था, सूखा पोने के बाद इसको निकाला जाता था, और इसको पी के इसके हस्क को निकाल के फिर उससे चीजें तैयार की जाती थी। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे मैं एक घर के सामने खड़ी हूँ, और ये घर कोई ऐसा वैसा मामूली घर नहीं है, ये भी कॉयर से ही तैयार किया गया है। आप जैसा देख रहे होंगे कि कितनी
कितने खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है, क्या कारीगरी दिखाई है बनाने वाले ने भी, बहुत सुंदर लग रहा है। आप एक रूप देखिए इसका। तो आइए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। ये अंदर का मेरे ख्याल से ये डाइनिंग रूम बना के रखा है, वहाँ कप रखे हुए हैं, यहाँ टेबल है और ये किचन है आपका। बहुत सुंदर तरीके से इस घर को बना के रखा है, देख के मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखिए ये बेडरूम बना के रखा है यहाँ पे। वाओ, ये सारा मतलब आप जो भी देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आप जो वॉल देख रहे हो दोस्तों, ये सारा कॉयर का ही बनाया गया है। और देखो ये कर्टेन जो आप देख रहे हो, ये कर्टेन भी कॉयर का ही है। और ये एक छोटा सा एरिया है योगा के लिए, जहाँ एक योगा मैट भी आप देख रहे हो, वहाँ एक जैकेट भी रखी हुई है। और ये भी एक रूम होगा जिसका दरवाजा अभी बंद है। और ये देखिए एकदम फाइन, ये भी कॉयर का ही बनाया गया है। सारे हस्क को एक एक जो रेशे हैं इसको मतलब उससे बना के इसको तैयार किया गया है। और ये घर का ये जो आप देख रहे हो मैट देख रहे हो, जो आपको टाइल्स की तरह नजर आ रही होंगी दोस्तों, तो ये भी कॉयर से ही तैयार किया गया है। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से टाइल्स का इसका एक रूप दिया गया है और कितना सुंदर और खूबसूरत घर बनाया गया है ये। तो बहुत प्यारा सा आशियाना। तो आप ये देखिए, ये है कॉयर दर्शन का ये रूम। ये मिनी थिएटर है, लेकिन अभी कोरोना के कोविड के वजह से अभी ये बंद किया गया है, जिसमें आप प्रोजेक्टर के थ्रू पूरा देख सकते हो कि पुराने मतलब इतिहास में कैसे इसको तैयार किया जाता था। तो आप मिनी थिएटर के थ्रू इसको देख सकते हो। ये तो ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं कॉयर की चीज़ें बनाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, तो इनको यूज करके कॉयर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और जो मशीन अभी आपने अंदर देखा, ये सारे मैट तैयार करने की मशीन है, जो ऐसे इस तरह के बड़े बड़े मैट तैयार किए जाते हैं। और आप तो जो भी यहाँ देख रहे हो ना, ये सारा तैयार किया गया, जैसे कि ये मैट और ये सारी चीजें जो आप यहाँ देख रहे हो, वहाँ आप परचेज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो, जैसे कि ये बोर्ड के डिजाइन है। और ये देखिए ये कोकोनट का जो शेल है उसे किस तरीके से तैयार किया गया है। ये